रायपुर में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के साथ कई बड़े नेता विधानसभा घेराव में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस ने 5 लेयर में बैरिकेडिंग की थी। हालांकि कार्यकर्ता पहली बैरिकेडिंग ही तोड़ सके। घेराव के लिए निकलने से पहले बड़ी सभा हुई, जिसमें कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत कई नेता शामिल हुए। भूपेश बघेल ने कहा कि लगातार हत्या बलात्कार हो रहे हैं, आदिवासियों को जेल में डाला जा रहा है, इसका विरोध सदन से लेकर सड़क तक होता रहेगा। गाय के मुड़ी काट के रख दी, आज तक के अपराधी भी पकड़े गए, जेल खान तार देगी, अपराधी पकड़े नहीं गए। बिहार के 3 मजदूर लाश से गिरफ्तार कर सत्य संप्रदाय सौहार्द बिगाड़े काम कर रहे थे, आदिवासी मतलब जेल में घुसे काम कर रहे थे, आदिवासी नाराजगी है, महिला मन में नाराजगी है, जेल स्नेचित होते जला रहते जहां थे, उद्योग व्यापार व्यापारी मन डरे हुए, आम जनता डरे हुए, ये सरकार केवल लूटे खसोटे में लगे है और ओकरे कारण से अपराध बढ़े है। ई कानून व्यवस्था लेकर शून्यकाल में उठा रहे हैं और अभी 3 बजे से रायता पे चर्चा है, वो चर्चा हुई, सदन में भी लड़ाई हुई और सड़क में भी लड़ाई हुई। वही प्रदर्शन के दौरान दीपक बैज ने कहा कि हम सरकार को चेतावनी देते हैं, छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ ना बनाए, नहीं तो आगे और तेज प्रदर्शन करेंगे। ऐतिहासिक रहा और सरकार को सबसे बड़ा चेतावनी आज दिए कि छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ ना बनाए, नया नेता फिर से संघर्ष हमारा जारी रहेगा। सरकार डर के वजह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पूरे सड़क को किलेबंदी कर दी, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि शांतिपूर्वक आज दो दो बैरिकेड को तोड़ने में सफल रहे। अगर सरकार सुधरती है ठीक, नहीं तो आने वाला समय में हमारा प्रदर्शन और तेज करेंगे हम। विधानसभा घेराव करने निकले कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बैरिकेड तोड़ने के दौरान मेयर एजाज ठेबर समेत कई कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों में पहले ही छुट्टी कर दी थी। वहीं रोड का भी डायवर्ट किया गया था, इससे कई राहगीर परेशान हुए।